हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो जो रीडिंग अभी करने जा रही हूँ वो ये है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो रीडिंग आप सबके लिए है, ऑल साइंस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन का ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। हेलो फ्रेंड, एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो सजिटेरियस। देखिए, आपके पर्सन आपको वैल्यू तो काफ़ी देते हैं और ये पर्सन आपको एक मैरिज का कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड आया है और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, आप अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। और डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है और आपके पर्सन ये भी देखते हैं आपको, आप एक मैरिज मटेरियल हो और आप बेस्ट एडवाइज़र हो। आपने इनको, हो सकता है कि किसी सिचुएशन में या तो आपने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इनको एडवाइस दिया और इनको वो सब याद आता है। ठीक है, कि आप एक बेस्ट एडवाइज़र हो और एक यूनिक पर्सन हो, एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आप सबसे अलग हो। और आप इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके थॉट में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, आपको आसानी से पता चल जाता है। भले ही पर्सन आपके आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं, आप इनके मन के बात पढ़ लेती हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको इस नज़रिए से देखते हैं, इस तरह से आपको देखते हैं, आपको बेस्ट एडवाइज़र मानते हैं कि आपने हमेशा इनको बेस्ट एडवाइस दिया है इनके लाइफ को लेकर, ये आपको ऐसा मानते हैं। ठीक है, भले हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा नहीं दिखाया हो कि जो आपने एडवाइस दिया है या तो जो भी आपने किया है इनके लिए, या तो जो अभी हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि पर्सन दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है या तो आपने इनको ऐसा करके रखा हुआ है। अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया है ना, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो या तो कभी इन्होंने ऐसा दिखाया है कि नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन बस ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, भले इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है बट ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं। ठीक है, भले ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि इस पर्सन को आप इनके लाइफ में नहीं चाहिए बट आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं ये, और इनकी नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा ओके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो आप और बेस्ट एडवाइज़र हो आप इनके लिए, ये आपको इस तरह से देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है और इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए लकी रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि जब ये पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तब आप इनके लाइफ में आए, ओके, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लकी मानते हैं आपको कि इनके इनके पास जो कुछ भी है, ठीक है, वो आपके इनके लाइफ में आने के बाद आया है। ठीक है, जो भी इनके पास है आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो, जब आप इनके पास रहे तो इन्होंने वो सब अचीव किया अपने लाइफ में, ओके, भले ही पर्सन नहीं दिखाते आपको बट ये इनका ट्रू डे फीलिंग्स है आपके लिए। और इनकी ट्रू डे फीलिंग्स ये भी है कि हो सकता है कि भले ही राइट नाउ ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या तो आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, बट इनकी एनर्जी ये है कि आप दोनों का डेस्टिनी है साथ में, आप दोनों का किस्मत है और आप दोनों फिर से एक दिन मिलोगे। ठीक है, और अगर ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या तो इन्होंने कभी ऐसा किया है तो थर्ड पार्टी की वजह से किया है, क्योंकि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर, कोई इनको कंट्रोल करता है, ओके, कोई थर्ड पार्टी या तो किसी ऐसे मैरिज में ये पर्सन फंसे हुए हैं जहाँ पर ये पर्सन खुश नहीं है, या तो ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर ये हैप्पी नहीं है, ये खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, कोई इनको कंट्रोल करता है, या तो आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड अलग, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है या तो कर रहे हैं फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से, मुझे थर्ड पार्टी तो दिखाई दे रहे हैं बट इनकी ट्रू डी फीलिंग्स ये है कि आप दोनों का किस्मत साथ में है और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये इनकी एनर्जी है। और आपके साथ रिलेशनशिप इनका ऐसा है कि ये कभी टूट नहीं सकता, भले आप चाहो ना चाहो, ये चाहे ना चाहें, ठीक है,
ये इनकी एनर्जी है कि आपके साथ इनका कनेक्शन इस तरह से है कि चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। और ये पर्सन आपको अपनी पास्ट लवर की तरह देखते हैं कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इनका आपके साथ, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं। और एक बात मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ये भी मिल रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है तो पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ ऐसा किया है। ये हो भी सकता है क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो है इस पर्सन के साथ आपका। तो अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है ना, तो समझ जाइए हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ ऐसा कुछ किया हो जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगी आप ना पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है ना, माफ़ कर दीजिए इस पर्सन को। हाई प्रिस्टेस और एट ऑफ वॉन्ड्स ये हमेशा आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके हमेशा टच में रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगेन कहना चाहूँगी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो आप इनकी नज़रों में। आपसे कोई बात छिपा नहीं रह सकता, ठीक है। आप किसी का माइंड पढ़ना जानते हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप हमेशा लाइफ में बैलेंस में रहते हो, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप और आप बेस्ट एडवाइज़र हो इनके नज़रों में, क्योंकि ये कार्ड बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, एनर्जी मुझे बार बार मिल रहा है कि इनकी नज़रों में आप बेस्ट एडवाइज़र हो। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो इनकी नज़रों में, ओके। आप गॉड के बहुत ही ज़्यादा करीब हो इनकी नज़रों में। सो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, बट डर है इनको कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आप क्लैरिटी मांगोगे, ये इनकी नर्सी है। सो गाइस ये है आपके लिए रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। लव यू ऑल।